हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी हेयर ट्रीटमेंट। मैं सीमा, आप लोग के साथ में मैं एक एलोपेशिया और बाल्डनेस की हेयर ट्रीटमेंट जो हमारी चल रही थी उसका फीडबैक शेयर करने जा रही हूँ। तो आप लोग एक बार इस फीडबैक को सुनिए और उसके बाद से आप लोग अच्छे से काम कीजिए। देखिए, रिजल्ट्स मिलते ही मिलते हैं, ऐसा है ही नहीं कि आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सुनाती हूँ मैं आप लोग को एक बार रिकॉर्डिंग। तो ये है मेरी मेंबर जिन्होंने अपनी ट्रीटमेंट हमारे से ली है। देखिए, ये ऑफिस जाती हैं, वर्किंग है, ऐसा नहीं है कि वर्किंग नहीं है, ये वर्किंग है और इन्होंने हमारी ट्रीटमेंट ली। आप देख सकते हो कितनी कंडीशन ख़राब है। और इन्होंने हमारी मेंबरशिप ऐसे नहीं ली है, इन्होंने ट्रीटमेंट अपनी आप से करी है। जब इनके बाल आना शुरू हो चुके हैं धीरे धीरे, तो इन्होंने कहा कि जब बाल आना शुरू हो गए, देखो आप लोग पोर्स ओपन हो रहे हैं ना, ये छोटे छोटे से बाल निकल रहे हैं, तो इन्होंने सोचा कि जब बाल आ रहे हैं बिना इनकी गाइडेंस से, तो हम जब मेंबरशिप लेकर काम करेंगे तो कितने अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो इसलिए इन्होंने हमारी मेंबरशिप ली और इनके बालों की जो कंडीशन अब हुई है बहुत ही अच्छी हुई है, बहुत ही बढ़िया होना शुरू हो गई है। ये देखिए बालों की कंडीशन कितनी ख़राब सी है ना, और ये देखिए बालों की कंडीशन में सुधार आना शुरू हो गया है, बाल भरने लगे हैं इस साइड से भी। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यार देखो, विश्वास कीजिए और विश्वास करके काम कीजिए, ठीक है ना। और देखिए, इन्होंने मुझे हर बार पैच लगाकर वीडियो शेयर करी है, फ़ोटो शेयर करी है, जितनी बार ये करती हैं उतनी बार शेयर करी इन्होंने, और बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे गाइज़। ये एक लेडी हैं, है ना, और देखो शादी और शादी करने के लिए आप लोगों को बाल की बहुत ज़रूरत है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो आता है आपके बालों से ही आता है, बाल नहीं है तो कुछ नहीं है। आप अपने आप को घर में रखकर अच्छी तरीके से केयर कर सकते हैं जो लोग वर्किंग नहीं हैं। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि बालों पे केयर करिए अच्छे से। बस कोई भी रेमेडीज़ को आप ट्राई कर रहे हैं तो सोच समझ कर करिए, कोई भी गलत चीज़ ना करिए, देख कर करिए, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, ये ऑफ़िस जाती हैं, ऑफ़िस से आकर अपने बालों की केयर करती हैं, और ऑफ़िस से आने के बाद आप सोचिए कितना इंसान थक जाता है, फिर भी ये अपने बालों के पीछे पड़ी हैं, नहीं मुझे बाल अच्छे करने हैं, ठीक है ना। एज मुझे इनकी कंफर्म नहीं है। और स्नेहल जी, अगर आप हमारे मैसेजेस वगैरह देखेंगे, आप ऐसे बिज़ी रहते हो, तो अगर आप यूट्यूब पर अगर एक बार जाएँ तो एक बार अपना फ़ीडबैक देखेंगे आप, तो आप ज़रूर से ज़रूर वहाँ पर अपना एज मेंशन करिएगा मैम, ठीक है ना, आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए आप लोग एक बार रिकॉर्डिंग सुनिए इनकी। गुड मॉर्निंग स्नेहल जी, आपकी वजह से मेरे रिग्रोथ होनी स्टार्ट हुई है, आपके रेमेडीज की वजह से रिग्रोथ होना स्टार्ट हुआ है। इसेंशियल ऑयल टोनर टॉनिक मुझे बहुत पसंद है, मेरा स्कैल्प का पीएच लेवल जो है वो बराबर से सही हो गया। मैंने एक साल से डॉक्टर का ट्रीटमेंट लिया है इसी में, मगर मुझे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, उल्टा मुझे ड्राइनेस और रफनेस, और उनके उसके वजह से डॉक्टर की वजह से मेरा जो ये जो स्कैल्प बाल्डनेस की समस्या ज़्यादा बढ़ गई, एलोपेशिया की समस्या बहुत बढ़ गई। और ये कुछ झूठ बात नहीं है, सच है, ये कोई झूठ बीट कोई रिप्लाई या फीडबैक देता नहीं है, सच में मैं कसम से, माता रानी की कसम से कहती हूँ, कोई झूठ बात नहीं है। थैंक यू सो मच सीमा जी, आप हमेशा ऐसे ही बने रहे, खुदा आपको बहुत अच्छी तरक्की दे, थैंक यू वेरी वेरी मच। गुड मॉर्निंग सीमा जी। सो गाइज़, आपने सुना फर्स्ट वाइज और सेकेंड वाइज आप लोगों ने सुना कितनी अच्छी इन्होंने ब्लेसिंग भी दी है। तो देखिए यार, आप लोग अच्छे से काम कीजिए, रिजल्ट्स मिलेंगे, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं नर्सों नहीं, मिलेंगे ज़रूर, ठीक है। करने से होता है, नहीं करने से कुछ नहीं होता। मेरे बाल खुद भी हैवी होना शुरू हो गए हैं, मेरे बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, मुझे इतना पता है 6 मंथ के अंदर अंदर। मैं ये नहीं कहती कि मेरे बाल बहुत खूबसूरत है, क्योंकि मैं अपने बालों में खुद नज़र नहीं लगाना चाहती हूँ, ठीक है ना। तो आप अपने बालों की केयर कीजिए और अच्छे से केयर करिए, देखिए रिजल्ट्स कैसे नहीं मिलते हैं, करके देखिए, मज़ा आएगा आपको भी। चलिए, तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट फीडबैक के साथ में। बाय।